Hello students of 10th standard. Today I am going to continue 9 number question and 10 number question. ध्यान से देखो. In the figure 2.22, M is the midpoint of QR. M जो है QR का midpoint है. PRQ is 90. PRQ 90 है. Prove that PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. हाँ, PQ square is equal to 4PM square is equal to minus 3PR square. Okay. Now how to solve this question, just look here. अभी इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे एंगल आर 90 डिग्री है, तो लिखने का इन ट्रायंगल पी आर एम एंगल एम इज सॉरी एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल आर क्या है? 90 डिग्री है, राइट. देयरफॉर therefore PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर. बराबर, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर, राइट. अब हम लोग क्या कर सकते, PR को अगर इधर शिफ्ट कर देंगे तो RM का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर. ओके, मीन्स आर एम स्क्वायर इधर रखा, पी आर को इधर शिफ्ट किया, तो पी एम माइनस आर एम पी आर स्क्वायर. ओके, अगर हम लोग पूरा ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल पी आर क्यू, कौन से ट्राइंगल में? पी आर क्यू में एंगल आर 90 डिग्री है. एंगल आर 90 डिग्री है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर. बराबर, पी आर का स्क्वायर और आर क्यू का स्क्वायर. पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं आर क्यू को आर एम प्लस एम क्यू लिख सकता हूँ, राइट. क्या लिख सकता हूँ? आर एम प्लस एम क्यू, करेक्ट. पी आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसको लिखूंगा आर एम प्लस आर क्यू का स्क्वायर. अभी आर एम और आर एम क्यू इक्वल है, आर एम और एम क्यू सॉरी, यहाँ पे एम एम क्यू आएगा. आर एम प्लस एम क्यू का स्क्वायर, अभी आर एम और एम के इक्वल है, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस आर एम स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर. मतलब एम क्यू की जगह पी आर, एम क्यू की जगह पे आर एम लिख सकता हूँ. रीजन, आर एम इज इक्वल टू एम क्यू. ओके, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस टू आर एम स्क्वायर. एक आर एम मिलकर टू आर एम हो जाएगा. पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस फोर आर एम स्क्वायर, करेक्ट, राइट. अब इसको क्या करते हैं, पी क्यू का स्क्वायर ऐसे रखते हैं, पी आर का स्क्वायर फोर आर एम स्क्वायर की जगह पे फोर को बाहर लेते हैं, ठीक है. आर एम की जगह पे क्या ले सकते हैं? आर एम की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग, आर एम की जगह पहले देखो, यहाँ पर मैंने प्रूव किया आर एम इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर. तो पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, करेक्ट. यहाँ हम लोगों ने प्रूव किया, इसको वन नंबर दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम वन, ठीक है. तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस फोर पी एम माइनस पी आर स्क्वायर. अब क्या करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर ऐसे रहेगा इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस फोर पी एम स्क्वायर माइनस फोर पी आर स्क्वायर, करेक्ट. फोर पी एम स्क्वायर माइनस फोर पी आर स्क्वायर. अब क्या करेंगे, पी आर साथ में रहेंगे. पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस फोर पी आर स्क्वायर प्लस फोर पी एम स्क्वायर, करेक्ट. पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी आर स्क्वायर माइनस फोर पी आर स्क्वायर प्लस फोर पी एम स्क्वायर, वही लिखा है, करेक्ट. तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस वन कितना होता है? माइनस थ्री. माइनस थ्री पी आर स्क्वायर प्लस फोर पी एम स्क्वायर. तो आंसर विल बी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी एम स्क्वायर माइनस थ्री पी आर स्क्वायर. यही अपने को प्रूव करना था. ओके.
दिस ओनली यू हैव टू प्रूव. ओके पहले हम लोग को छोटा ट्रायंगल लेना है PRM. PRM में R 90 डिग्री है तो PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर. PM का स्क्वायर PR प्लस RM. RM का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा RM का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा PR को उधर लेंगे PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे R 90 डिग्री तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर. RQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं RM प्लस MQ लिख सकते हैं राइट. और RM MQ बराबर है तो MQ की जगह पे RM लिख सकते हैं. तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा 2RM स्क्वायर हो जाएगा. PQ स्क्वायर PR स्क्वायर 2RM का क्या हो जाएगा 4RM स्क्वायर. अब RM की जगह पे क्या लिख सकते हैं पहले हम लोगों ने प्रूव किया PM माइनस PR. तो PM माइनस PR स्क्वायर लिखा तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर राइट. PR PR को साथ में लिया PR स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर प्लस 4PM स्क्वायर तो माइनस 3PR स्क्वायर है प्लस 4PM स्क्वायर. अब बाद में PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM पहले ले लिया माइनस 3PR स्क्वायर बाद में ले लिया. इट इज प्रूव. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी Walls of two building on either side of street are parallel to each other. Ladder 5.8 meter long is placed in the street such that its top just reaches the windows of building at height of 4 meter. On turning the ladder over to other side of the street, its top touches the windows of other building at height of 4.2. Find the width of street. Okay. If we read the question, the ladder is 5.8 meter long. Placed in the street such that top just reaches the windows of building at the height of 4. Top jo hai 4 meter pe pahunch raha hai. On the turning the ladder over the other side of the street, its top touches the windows of building at height of 4.2. Find the width of street. Abhi hum log dhyan se dekhenge. These are the two walls. Correct? Ladder jo hai 5.8 ka ladder maine lagaya. 5.8 ka ladder. To pehle wale building ke 4 meter height tak ja raha hai. अगर वही लेटर दूसरी जगह लगा है तो दूसरे वाले बिल्डिंग के 4.2 मीटर तक जा रहे हैं. करेक्ट. तो अपने को रास्ते की लंबाई ढूंढनी है. क्या ढूंढनी है रास्ते की लंबाई. तो दो दीवार है 5.8 का लैडर है. पहले वाले वॉल पे रख रहे तो 4 मीटर हाइट पे पहुंच रहा है. दूसरे वाले वॉल पे रख रहे 4.28 मीटर पे पहुंच रहा है. तो अपने को ये चाहिए. तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री लेते हैं यहाँ पे भी 90 डिग्री लेते हैं. इसका नाम ए बी सी देते हैं और इसका डी ई देते हैं. तो अब बी जो है अब यहाँ पे लिखेंगे ए बी एंड डी इज द वॉल राइट. ए सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 5.8 राइट मीटर. नाउ इफ वी आर सीइंग इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. करेक्ट. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. करेक्ट. ए सी कितना है 5.8 का स्क्वायर. ए बी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. बराबर. बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. बराबर. 5.8 का स्क्वायर जो आएगा 33.64 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16. करेक्ट. बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 16. बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 17.64. करेक्ट. बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे 17.64 का द आंसर विल बी 4.2. करेक्ट. अब हम लोग ये वाला देखेंगे डी सी स्क्वायर ट्राइंगल सी डी में ई 90 डिग्री है. इन ट्राइंगल सी डी ई एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. करेक्ट. ये 5.8 का स्क्वायर राइट.
ई डी 4.2 है, सी ऐसे रहेगा प्लस 4.2 का स्क्वायर, करेक्ट। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 का स्क्वायर माइनस 4.2 का स्क्वायर, 5.8 इज 33.64 माइनस 4.2 17.64, आंसर विल बी 16। सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सी इज इक्वल टू 16 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 4। तो लिखने का विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ई इज इक्वल टू 4.2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8.2 meter। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम से बी सी निकाला, फिर पाइथागोरस थ्योरम से सी ई निकाला, बी सी और सी को ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया। ओके, देन स्टूडेंट्स यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 एज अ होमवर्क। उसको 2-3 बार सॉल्व करो तो प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। एज अ होमवर्क यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।